वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना गाइज काफी ट्रिकी होता है, बिकॉज जब आप फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर पे लेते हैं तो कुछ पोर्शन जो होता है फाउंडेशन का वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑब्वियसली ब्यूटी ब्लेंडर एक टाइप ऑफ स्पंज ही होता है तो लिक्विड एब्जॉर्ब कर ही लेगा, तो उसको यूज करने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि आज मैं अपने वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो मैंने लिपस्टिक अभी अपने लिप्स पे लगा रखी है वो है मैट एज अ हेल क्रेयॉन लिपस्टिक फ्रॉम शुगर इन द शेड पॉपिंस मैरी पॉपिंस। जो ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो ट्रिक में सबसे पहले हमको चाहिए होगा अ कप ऑफ और अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ ब्यूटी ब्लेंडर। ऑब्वियसली ये आपको दिख रहा होगा ये बहुत गंदा है बिकॉज इसको मैं यूज करती रहती हूँ, मैंने इसको वॉश भी नहीं किया तो ये थोड़ा सा गंदा है, बट इट्स ओके, मेरे को वीडियो करना है, दैट्स ओके। ओके तो ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है मैं यूज कर रही हूँ नायका का ब्यूटी ब्लेंडर है। मुझे अभी इसका प्राइस याद नहीं है क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना ब्यूटी ब्लेंडर है और ये बहुत अच्छा है। इसके जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं बहुत अच्छे मिले हैं। इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटी ब्लेंडर अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई यूज इट। तो सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर को हमें इस ग्लास में इस तरीके से डालना होता है और हम डाल देते हैं तो ये ऊपर ही रहता है, हमें इसे बार बार नीचे ले जाके इसको दबाना होता है। इस तरीके से दबाएंगे तभी अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करेगा। आप देख सकते हैं ये बबल्स आ रहे हैं इसमें और ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें पानी एब्जॉर्ब हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो जब ये ब्यूटी ब्लेंडर पूरा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो जाएगा और ये फूल जाएगा। आप देख सकते हैं ये इस पहले साइज कुछ और था, अब ये फूल चुका है, यानी कि इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। दिस स्पंज इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो अब हम देखेंगे, ये देखिए पूरा पानी इसमें से हम इसको निचोड़ देंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमें पानी को निचोड़ना है इसमें और पूरा पानी जितना भी है इसका पानी इस ग्लास में आना चाहिए। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक टॉवल जिसमें हम ये एक टॉवल में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, अगर टॉवल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें अच्छे से इसको इसका पानी जो भी है एक्सेस वाटर इसका पूरा निकाल देंगे और इसको जस्ट लाइटली वेट करना है। और इसको आप कोई काम नहीं है, जस्ट लाइटली आपको वेट करना है और कोई भी इसमें वो नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये स्पंज कितना बम्पी हो गया है, यू कैन सी हाउ बम्पी दिस स्पंज इज। और दिस इज वेरी नाइस, ओके, बहुत अच्छा लगता है जब ये पानी इसमें चला जाता है और पानी बाहर निकाल के हम लोग जब इसको यूज करते हैं तो ये काफी बम्पी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर जो कि हमें यूज करना है। जितना भी इसका एक्सेस वाटर है आपको सब बाहर निकालना है, जस्ट इसको लाइटली हमें वेट करना होता है। दिस इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से फाउंडेशन का पूरा पूरा लाभ आपको मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बम्पी फाउंडेशन से फाउंडेशन कितने अच्छे तरीके से स्प्रेड होता है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को प्राइम कर लूंगी प्राइमर से। अभी मैं प्राइमर इसमें सिर्फ एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये वीडियो करके अपना फाउंडेशन हटाना ही है। और मैंने आपको पिछले अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि मैं जो है वलवाह का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। दिस इज वेरी स्मूथ, इट इज 100% प्योर एंड अ कोल्ड प्रेस्ड एलोवेरा जेल। और मैंने अपने फेस को अब प्राइम भी कर लिया है। नाउ इट्स अ टाइम टू स्टार्ट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड द फाउंडेशन। सो हियर आई एम यूजिंग द मैक फाउंडेशन। दिस फाउंडेशन इज वेरी गुड फॉर द ऑयली स्किन पीपल, जिनके भी ऑयली स्किन है वो ये फाउंडेशन यूज करें। ये गर्मियों में, मॉनसून सीजन में, हर सीजन में ये फाउंडेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। आप ये स्वेट प्रूफ फाउंडेशन है, ऑब्वियसली मैं इसको यूज करती हूँ मॉनसून सीजन में, मैक्सिमम मैं इसको यूज करती हूँ। तो दिस इज फॉर ऑयली स्किन, जो भी जिनकी भी ऑयली स्किन है वो ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। हियर आई एम टेकिंग 2 ड्रॉप ऑफ दिस फाउंडेशन, इट इज इनफ आई थिंक फॉर मी। ओके सो हियर आई विल टेक दिस फाउंडेशन लाइक दिस। सो इस तरीके से हम लोग लगा लेंगे अपने फेस पे। आप देख सकते हैं मैंने 2 ड्रॉप ही लिया था इस फाउंडेशन का और कितना ज्यादा ये मेरे फेस पे लग गया है। हम लोग गर्दन में भी इसे लगा लेंगे जितना भी हम ओके। तो हेयर हम लोग इसे एकदम ऐसे डैब करके हम लोग इसको यूज करेंगे।
और ये डैब करके यूज करेंगे तो हमारा फाउंडेशन जो है अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाएगा और स्किन में एकदम ब्लेंड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। नाउ मैंने यहाँ से यूज किया था, अब मैं पॉइंट से यूज कर रही हूँ बिकॉज मुझे अंडर आई एरिया में भी इसको पूरा लगाना है, नोज के जो लाइंस होते हैं यहाँ पे भी अंदर, तो मैं पॉइंटेड पोर्शन जो होता है ब्लेंडर का वो यूज करूंगी। और आपको हमेशा ये ब्यूटी ब्लेंडर डैब डैब मोशन में यूज करना है, आपको कभी भी यू रबिंग मोशन में इसको यूज नहीं करना है, जस्ट यूज इट इन अ डैब डैब टाइप ऑफ मोशन लाइक दिस। तो आपको अपने फाउंडेशन को एक्चुअली स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना होता है, जस्ट आपको अपने स्किन के ऊपर उसको सेट करना होता है, आपको अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए फाउंडेशन जो है स्किन के ऊपर आपको जस्ट सेट करना होता है, आपको एब्जॉर्ब नहीं कराना होता है। तो जिस जगह पर आपको फाउंडेशन सेट कराना है उस जगह पर आपको डैब डैब करना है, नॉट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज अ करेक्ट वे टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ यू कैन सी हियर कितना मेरे फेस पे अलग लुक आया है, एकदम फ्लॉलेस स्किन लग रही है। जस्ट यहाँ पे मुझे कंसीलर यूज करने की जरूरत है, मेरे जो स्पॉट्स दिख रहे हैं बस इसकी जगह पे, और इस फाउंडेशन का ही इतना अच्छा कवरेज है कि मैं मुझे मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कंसीलर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। और यू कैन सी मेरे फेस पे फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप इस प्रोसेस से अगर ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका फाउंडेशन आपके फेस पे एकदम फ्लॉलेस लगेगा और एकदम नेचुरल लगेगा। ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने का जो इस प्रोसेस से जो यूज करने का पहला बेनिफिट वो यही आता है कि एक्सेस फाउंडेशन आपके ब्यूटी ब्लेंडर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सेकेंड आपका आता है कि आपको जब भी फाउंडेशन लगाना हो तो आप हमेशा डैब डैब मोशन में लगाएंगे तो आपका जरूर फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस लगेगा और जहां आप सेट करना चाहते हैं वहीं पर ही सेट होगा। आप खुद ये चीज नोटिस करेंगे कि जब आप सूखा ब्यूटी ब्लेंडर अगर सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से अगर फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका जो फेस पे एक तो फ्लॉलेस फिनिश नहीं आएगा, इसके अलावा आपको फाउंडेशन अपने फेस पे लगाने में प्रॉब्लम भी बहुत होगी। तो इसलिए हमेशा इस प्रोसेस से फाउंडेशन लगाएंगे तो यू विल सी द डिफरेंस ऑन योर फेस। ब्यूटी ब्लेंडर के इस प्रोसेस को यूज करने से अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपकी स्किन इवन दिखेगी, इसके अलावा आपकी स्किन में कोई भी पैचीनेस नजर नहीं आएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज ऑन द ब्यूटी ब्लेंडर, हाउ टू यूज ब्यूटी ब्लेंडर और हाउ टू ब्लेंड फाउंडेशन विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स एंड मोहल्ला पड़ोस, सब जगह मेरा चैनल प्लीज 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 शेयर कीजिए। इसके अलावा मेरे वीडियोस को लाइक देना ना भूले बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक दीजिए। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट ऑफ माई चैनल, और रेगुलर अपडेट के लिए जो तीन ऑप्शन आते हैं उसमें ऑल आता है, ऑल को प्रेस करना ना भूलें। ऑल प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियोज के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑल। So I love you. Bye bye.